आपकी मैडम आपको कैसी लगती है? बहुत कूल है। मन तो मेरा था ना कि आलता भी लगाऊं मुझे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल साक्षी जसवंत सिंह राजपूत में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग के स्टार्टिंग बप्पा के दर्शन से, क्योंकि आजकल बस मेरी लाइफ में यही चल रहा है, कभी किसी के घर तो कभी किसी के घर, बस भजन कीर्तन ही चल रहा है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने की, बट पूरा सूट नहीं कर पाती हूँ। तो जो भी है आप लोगों के सामने है तो दर्शन कर लीजिए। हे गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं घर और बज चुके हैं अभी 8:30। बहुत ही लेट हो गया आज ना, पूरे ही दिन हमने भजन कीर्तन ही किया है। सुबह से उठ के सबसे पहले गई भजन में, फिर वहाँ से 12:30 बजे आई थी, फिर खाना वाना बनाया, फिर खाया, फिर थोड़ा सा भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला। उसके बाद फिर हमें 4 बजे जाना था किसी और के यहाँ, वहाँ से आए, फिर हमें मंदिर जाना होता है जो शाम को भजन होता है, आरती होती है जो, उसमें गए। और उसके यहाँ से फिर एक दीदी ने बोला कि चलो मेरे घर, वहाँ भी आरती करते हैं, वहाँ मैंने किया। फिर जाके अभी फाइनली 8:30 बजे हम घर पहुँचे हैं और हालत देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा। आज तो मेरे पैरों में भी दर्द होने वाली है क्योंकि लगातार ही चलना भी हो गया, बैठना भी लगातार ही हो गया। और ऐसे पालती मार के डॉक्टर ने बैठने को मेरे को मना किया था, आज तो पूरा ही दिन बैठा है तो दर्द होना तो लाजमी है, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट भी हो गया है। और अभी आके फिर से थोड़ा भी रेस्ट नहीं है क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, तो मैं जैसे तैसे भी अपना कपड़ा चेंज करूँगी, कपड़ा चेंज करके और खाने बनाने में लगूँगी, क्योंकि सब्जी सब्जी काटने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, 1-1.5 घंटे तो सब्जी बनाने में ही मेरे को लग जाते हैं। तो देखती हूँ आज भिंडी की सब्जी बनाऊँगी और उसके बाद देती हूँ आप लोगों को आगे की अपडेट। मुझे नहीं लग रहा कि आज मैं इसके आगे का ब्लॉग शूट कर पाऊँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। कल का तो मस्त प्रोग्राम है हमारा, कल का ना भी ब्लॉग आप लोग बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि हमने थीम सोचा है, सारे ही एक जैसे साड़ी पहनेंगे मतलब, और मंदिर जाएंगे, बहुत सारा इन्जॉय करेंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वो ब्लॉग तो बिल्कुल भी आप लोग मिस मत करना, इंतज़ार है मुझे कल का, देखते हैं क्या क्या मस्ती कर पाते हैं हम लोग। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ, काम पे लग जाती हूँ, खाना खुना बनाती हूँ, बर्तन बुर्तन धुलती हूँ। हे गाइस, तो अभी आ चुकी हूँ मैं किचन में और आज बना लेती हूँ मैं भिंडी। इसको धुल के किनारे किनारे का कट करके रख लिया और अभी जाके रूम में आराम से बैठ के कट करूँगी। वहाँ पे स्माइली पढ़ाई कर रही है क्योंकि कल उसका एग्ज़ाम है, तो आज मैडम को रिविज़न करवाना है, तो वहीं पर काटते काटते उसको देखती भी रहूँगी, उसकी पढ़ाई भी होती रहेगी और सब्ज़ी भी काट लूँगी क्योंकि लेट तो हो ही चुका है। तो चलिए अभी काट के मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो इधर चल रही है स्माइली की पढ़ाई। स्माइलू, कल आपका एग्जाम है। ओ सबका मुझे बेस्ट ऑफ लक करो। ओह माय गॉड, सब लोग इसको विश कर दो भाई, बेस्ट ऑफ लक, स्माइली का एग्जाम अच्छा जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रही है स्माइलू मेरी, है ना। अच्छे से रिवीजन कर लिया है, सब कुछ तैयारी कर ली है मैडम ने, पता ना आप स्कूल में क्या दे के आएंगी मुझे नहीं पता, क्योंकि कल ना मैं मैडम ने फूड भी नहीं लेके आई थी। अच्छा, तो भूख लग गई थी मेरी मैडम को, तो अपना खाना क्यों नहीं दे दिया? खुद एक ही दे दी, वो ना टिफिन नहीं लेके आई थी मैडम, बस पानी लेके आई थी। चलो, सो वाले दिन में मेरी ना मैडम आपकी जैसा पहनी थी। मेरे जैसा? हाँ। अच्छा। ना रेंबो 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 जैसा पहनी थी जो आपका कलर था जो उन्होंने अभी निकाली थी। अच्छा, हाँ, जो मैंने दुपट्टा लिया था। हाँ। ओके, तो वो था। तो आपकी मैडम आपको कैसी लगती है? बहुत कूल है। एवरी डे चेंज करती है अपना आउटफिट। अस्माली तो रोज एक ही ड्रेस में जाती है। ओह माय गॉड, तो अस्माली को पसंद है मैम, अच्छी है, आपको प्यार करती है? मेरी मम्मा नहीं है, मम्मा ही बस प्यार कर सकती है। हाँ। नहीं। हे गाइस, तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, सारा काम हो गया। अभी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, मतलब अचानक से इतना ठंडा था, आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया है।
और अभी मैंने नहाया नहीं है, मुझे खाना बनाना है। पहले मैं खाना बना लूँ उसके बाद ही नहाऊँगी, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि आज हमारा थोड़ा सा रेस्ट है, कहीं नहीं जाना है। मतलब किसी के यहाँ इन्विटेशन नहीं था वो जो गणपति जी रखे हुए हैं उसके भजन उजन के लिए, लेकिन फिर कॉल आ गया तो हमारी जो सीनियर दीदी है उनके घर है आज, तो वो 3:30 बजे से बुला दिया, फिर अचानक से सब कुछ हो गया। ऐसे में लापरवाही कर रही थी कि चलो हमें शाम को जाना है, शाम को हमने सोचा था और हमने थीम भी रखा है कि हम कौन सी कलर की साड़ी पहनेंगे, तो वो सब मैं पहले आपको नहीं बताऊंगी, आपको देखना पड़ेगा पूरा ब्लॉग। लेकिन अचानक से फिर बड़ी दीदी का कॉल आ गया जो हमारी सीनियर हैं कि साक्षी आना है मेरे घर में भी, मतलब वो भजन रखवाया है। तो फिर अचानक से ऐसे फिर मतलब सारा उल्टा पुल्टा हो जाता है ना, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था। तो फिर जल्दी जल्दी मैं अब खाना बना लेती हूँ, क्योंकि अब तो मुझे लेट ही हो जाएगा, तो पहले सोचा खाना बनाओ उसके बाद ही नहा के खेल मैं तैयार हो जाऊँगी। देख सकते हैं मेरी हालत कैसी हो रखी है अभी, तो मैं क्या बनाऊँ, तो क्योंकि ना आज फिर शाम को भी बहुत लेट हो जाएगा मुझे आने में, तो खाना बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, 9-10 बज जाता है उसके बाद आके खाना बनाओ। तो मैंने सोचा ना कि पनीर बना लेती हूँ आज, पनीर की सब्ज़ी, और दाल चढ़ा दिया चावल पनीर की सब्ज़ी, ताकि ना शाम को भी रह जाएगा, क्योंकि आके मुझे बस रोटी सेकना रहेगा, और जैसा होगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ भुजिया वजिया बना दूँगी, बाकी ये पनीर की सब्ज़ी रहेगी। तो मैं पनीर बना लेती हूँ, तो जल्दी जल्दी से मैं पनीर बना लेती हूँ, फिर जाती हूँ नहा के, फिर तैयार होके आप लोगों को मिलती हूँ, ठीक है। हालत देख सकते हैं आज मैंने इतना भाग भाग के काम कर रही हूँ ना कि क्या ही बताऊँ मैं। तो चलिए मैंने कढ़ाई रख दिया है इधर, ये देखिए कढ़ाई मैंने रख दिया है। फिर हे गाइस, तो अभी लगभग मेरी सब्जी भी बन के तैयार ही होने वाली है, मैंने इसको ड्राई ही बनाया है। इधर दाल चावल सब्जी बन गई, दाल बन गई चावल, और इसके बाद मैं सैलेड प्याज काट लूँगी आज, प्याज के साथ खाएंगे, और अचार अगर मन करेगा तो मुझे तो नहीं मन करेगा, अगर फौजी साहब को लेना होगा तो ले लेंगे। आज पापड़ नहीं तल रही क्योंकि पनीर की सब्ज़ी मुझे अच्छी लगती है, तो पापड़ की कोई नीड नहीं है। तो सब कुछ रख रहा है, सब कुछ तैयार हो चुका है, मैं नहा के भी आ चुकी हूँ देख सकते हैं। तो अभी फौजी साहब भी आ गए, स्माइली भी आ गई, तो हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा 5 मिनट बहुत रख रहा है, 5 मिनट का रिलैक्स करूँगी, उसके बाद फिर मैं तैयार होना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि 3:30 बजे से बोला है और अभी लगभग 2 बजने वाले हैं। तो चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को देती हूँ आगे का अपडेट। देख सकते हैं अभी वैसे ही जैसे तैसे हूँ मैं, बस नहा के और किचन में ही लग गई हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं, ठीक है। हे गाइस, तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, देख सकते हैं रेड चुंदरी साड़ी पहन के, रेड बिंदी, रेड लिपस्टिक, और मैंने आज जूड़ा बना लिया। गजला नहीं लगाना था बिकॉज इतना हैवी नहीं करना था, गजला लगा के थोड़ा हैवी हो जाता है, तो उतना नहीं करना था, बस मैंने सिंपल जूड़ा बना लिया है। तो कैसी लग रही हूँ मैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। और देख सकते हैं इसके साथ मैंने मैचिंग बैंगल्स पहने हैं, इस पे भी हाथी वाथी बना हुआ है, डोली, तो उसी टाइप का है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और इधर स्माइली देवी, तो हम काफ़ी लेट हो रहे हैं, लेकिन बगल वाले दीदी अभी लग रहा है तैयार नहीं है, वो अभी तक बेल नहीं बजा है मेरा, तो मुझे लग रहा है मुझे ही जाना पड़ेगा उनको बोलने के लिए, क्योंकि अभी ना हमें बताया था 3:30 बजे का, दीदी ने बोला था कि 3:30 बजे आप लोग आ जाना, और अभी हो गया है 4:15। तो जाती हूँ, देखती हूँ कि क्या कर रही हैं वो, मुझे लगा कि कोई आ रहा है, हाँ तो जाके देखती हूँ मैं कि क्या कर रही हूँ वो, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा फिर हमें वहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या क्या हो पाता है, पॉसिबल जितना हो पाएगा मैं दिखाऊंगी। एक्चुअली सब लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं वीडियो में, जैसे अगर हम जो मस्ती करते हैं, मैं सूट करती हूँ तो मैं अकेले तो कर नहीं सकती अपना सूट, तो सारे ही लोग होते हैं, तो वो वीडियो में जैसे उनका अगर मैं डालूँ तो वो कम्फर्टेबल नहीं होते हैं, उनके हस्बैंड को नहीं पसंद तो वो लोग नहीं करते हैं, तो इस वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। लेकिन मस्ती तो बहुत ही करते हैं, रिकॉर्ड भी वैसे मैं करके लाई थी, रोज़ जो भी हम लोग इंजॉय करते हैं रिकॉर्ड करके लाती हूँ, लेकिन नहीं डाल पाती हूँ। लेकिन आज देखूँगी पर्सनली, मेरे जो 2-4 फ्रेंड्स हैं उनको, मेरे जो 2-4 फ्रेंड हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर वैसा हुआ कि हम इनके साथ में कुछ अगर वीडियो शूट करते हैं डांस वगैरह का, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए अभी चलते हैं, दीदी को बोलती हूँ मैं, क्योंकि बहुत ही लेट हो गया, और आज मैंने रेड बिंदी लगा ली है, तो चलिए चलते हैं। अभी पता है बगल वाली दीदी थोड़ी सी लेट हो गई है, वो तैयार नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं पैर में नेल पॉलिश लगा लेती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, तो कलर छूट गया है,
तो मैंने सोचा कि आज लगा ही लेती हूँ, टाइम है तो आज मैं टाइम से तैयार हो गई। फौजी साहब होते ना तब मैं उनको बताती, क्योंकि हमेशा बोलते हैं ना कि तुम्हारा तो हमेशा लेट ही होता है, इतनी जल्दी तैयार होती नहीं हूँ, लेकिन वो होते तो उनको दिखाती कि आज मैं सबसे पहले तैयार हो गई हूँ। तो लगा लेती हूँ मैंने पॉलिश। मन तो मेरा था ना कि आलता भी लगाऊं, मुझे आलता बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोग देखते भी होंगे मैं हमेशा ही अपने पैरों में लगाती हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा और टाइम लग जाएगा तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ये नेल पॉलिश भी ना उल्टा पुल्टा ही हो रहा है जल्दी जल्दी में, क्योंकि वो दीदी उदी को तो टाइम लगता नहीं है, उन लोगों को मेकअप करना नहीं रहता है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, तुरंत तैयार हो जाते हैं वो लोग, मुझे ही जितना टाइम लगता है। इसीलिए ना मैं हमेशा ही जल्दी कोशिश करती हूँ कि पहले से ही तैयार होना स्टार्ट कर दूँ। तो आज फाइनली मैं सबसे पहले तैयार हो गई, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा। हो गया बस, तो चलिए अभी चलती हूँ। हाँ दी, आ गई आ गई। बोलो कि चलो चलो गाइस। तो अभी हम वहाँ से आके और फिर चल दिए मंदिर के लिए, ये मंदिर के लिए मैंने प्रसाद मंगाया था, मंगा दिया। हाँ दीदी आ गई आ गई आ गई, चलिए फिर चलते हम। ठीक है क्या दीदी, फिर सब लोग जा रहे हैं? नहीं नहीं, रुद्रकोट ट्यूशन से लेके आते फिर चलेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अभी दीदी गए अपने बाबू को लेने ट्यूशन से, तो आ जाती हैं उसके बाद हम लोग जाएंगे। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, मुझे पूरी इचिंग होने लगी है, दाने भी स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि कुछ दिनों तक ना मतलब 2-3 दिन तो इतना ठंडा ठंडा मौसम था, बहुत ही अच्छा लगा, और 1-2 दिन से अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और इस पे से ये सब मैंने पहन लिया है तो क्या ही बोलूँ, हालत पूरी ख़राब है। तो चलिए अभी वहाँ चलते हैं। मैं किसी का वीडियो नहीं ले पाती हूँ, अभी फिर से कह रही हूँ आप लोगों से कि मैं किसी का वीडियो नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि सब लोग कंफर्टेबल नहीं है वीडियो में आने में, तो कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, मुझे पसंद है तो मैं बना रही हूँ, बाकी अब क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए अभी मंदिर चलेंगे, फिर वहाँ पर आरती वारती हम लोग करेंगे, फिर आते हैं तो आपको अपडेट देते हैं। तो अभी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, इतनी गर्मी है बाप रे। तो हम लोग आ गए मंदिर से, मंदिर से आते आते रास्ते में थोड़ी मस्ती भी होती रहती है, क्योंकि हम लोग सारे भूख में रहते हैं। फिर एक दीदी के घर चले गए, तो वहाँ फ़ोटो वोटो क्लिक करवाया हम लोगों ने, क्योंकि हम 4-5 का जो ग्रुप था ना, हम सारे ही लोगों ने चुंदरी चुंदरी पहना था, बट उतने अच्छे से फ़ोटो वीडियो हम लोग नहीं कर पाए। तो अभी मैं बहुत थक गई हूँ, सबसे पहले जा रही हूँ कपड़े खोल के उसके बाद मैं नहाने वाली हूँ, नहा लूँगी तो थोड़ा सा थकान दूर हो जाएगा, उसके बाद कुछ सोचूंगी खाने वाने के बारे में, क्योंकि सब्जी तो मैं बना के गई थी, मुझे पता था कि इतना थकान होना है, आज 2 दिन से इतना ज़्यादा थकान हो रहा है ना कि अब तो मेरे पैरों में भी दर्द शुरू हो गया है। बैठती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे स्पेशली मना किया था पालती मार के नहीं बैठने को बोला था, और हमेशा मुझे अभी तो पालती मार के ही बैठना पड़ रहा है,
तो इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, लेकिन कोई ना, मुझे लग रहा है कि बस अब कल तक तो है, लास्ट था आज, आरती तो लास्ट था, कल विसर्जन हो जाना है, तो उसके बाद तो रेस्ट रेस्ट ही करना है, तो इसलिए जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको इग्नोर कर रही हूँ मैं। तो चलिए अभी मैं साड़ी वाड़ी खोलती हूँ, उसके बाद नहा लेती हूँ, उसके बाद नाइटी पहन लूँगी तो थोड़ा सा सुकून मिलेगा मुझे, उसके बाद रोटी बनाना है और फौजी साहब से पूछूंगी अगर खाली पनीर की सब्ज़ी से वो खा लेंगे तो आज मैं वही करने वाली हूँ, बस रोटी रोटी बनाऊँगी, और नहीं तो भुजिया देखती हूँ, करेला है नहीं तो आलू का, किसी भी चीज़ का एक भुजिया कर दूँगी। तो चलिए अभी चलते हैं, मिलते हैं, अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं आगे का ब्लॉग शूट करूँगी, नहीं तो यहीं एंड कर दूँगी मैं।